हेलो गाइस, दिस इज स्वाति एंड आई वॉच मूवी द लेज, जो कि अमेजॉन प्राइम पे अवेलेबल है। एक सर्वाइवल ड्रामा है और स्टोरी बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है कुछ आउट द बॉक्स बनाया गया है। बट क्योंकि यहाँ पर देखिए सिंगल इवेंट दिखाया गया है, बहुत सारे प्लॉट्स नहीं हैं, तो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करने की इनके पास चांस था और उन्होंने किया भी है। एंड इसमें होता क्या है कि एक लड़की केली है जो अपनी सोफी फ्रेंड के साथ, अपने जो फियांसे है जिसकी डेथ हो गई थी 1 साल पहले, उसको ट्रिब्यूट देने के लिए अब उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी पे, एक तरीके से डेथ एनिवर्सरी पे आई है क्लाइम करने इटली में। और यहाँ पर 4 लड़कों से मुलाकात होती है। जो 4 लड़के होते हैं बहुत वियर्ड से दिखाए गए हैं। इसमें जो एक लड़का है वो टोटल साइकोपैथ है, जिसका नाम जोशुआ है, और वो जो इन लोगों से घुलने मिलने की कोशिश करता है, सोफ़ी को अपनी तरफ बुलाता है, और रात में सोफ़ी जो सब बाकी लड़के हैं और सोफ़ी बैठ के, केली बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। केली तो चली जाती है बट सोफ़ी रह जाती है, और एक तरीके से वो उसको रेप करने की कोशिश करता है जोशुआ। बट कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं कि केली जो है कुछ ऐसा देख लेती है जो उसे नहीं देखना चाहिए था, और फिर ये 4 लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं। या इसमें एक लड़का जो है वो ठीक दिखाया गया है, बट क्योंकि वो पार्टनर इन क्राइम है तो उतना ही वो ज़िम्मेदार है। बट केली किस तरीके से ये 4 लड़के क्लाइम नहीं कर पाते हैं, केली अच्छे से क्लाइम करके चली जाती है और एक पतली सी क्लिफ होती है, वहाँ पर जाके बैठ जाती है। और यहाँ पे बहुत सारे ड्रामेटिक इवेंट्स होते हैं। वो लड़के किस तरीके से साइड से चढ़ के ऊपर आ जाते हैं, ऊपर मर्डरर्स है एक तरीके से, और नीचे पूरी गहरी खाई जैसी है, या अगर गिरेगी तो मर ही जाएगी वो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही थ्रिलिंग वे में दिखाई गई हैं। कुछ कुछ सीन्स ऐसे हैं तो आपको एज ऑफ द सीट पर ले आएंगे। इसमें स्नेक भी आता है, और वो 4 लड़के किस तरीके से लटक लटक के केली को परेशान करते हैं। एक्चुअली केली के पास एक कैमरा होता है जिसमें उसने सारी चीज़ें कैप्चर कर ली, तो वो चाहिए होता है। और किस तरीके से वो लड़के जो है आपस में लड़ मर जाते हैं, और फाइनल जो बचता है उसको किस तरीके से जो है केली सामना उसका करती है, तो ये बहुत अच्छे से इसमें दिखाया है। तो सर्वाइवल मूवी है। एक फॉल मूवी अभी रिसेंटली आई है, और वो भी मैंने देखी नहीं, रिलीज़ नहीं हुई इंडिया में, वो उसको देखते हैं तो इस मूवी की थोड़ी सी याद आती है। उसमें भी कुछ इसी तरीके का दिखाया गया, बट उसमें टावर पे वो 2 लड़की क्लाइंबिंग कर रही थी अपनी स्ट्रेस की को भुलाने के लिए। तो ये आप मूवी देख सकते हैं अगर आपको सर्वाइवल मूवी पसंद है, अच्छी लगेगी ये मूवी। दैट्स इट, बाय बाय।